सबसे पहली बात ये है कि सिटीजन फोरम्स ऐसे संघटना प्रत्येक जागोजागी असणं गरजेचं आहे. कारण होतं कसं, अन्यायाला वाचा पडायला कोणी पुढे येत नाही, कोई नहीं आना चाहता. लोग देखते, मजा लेते, मजा लूटते और चले जाते. लोगों तक तब तक तकलीफ नहीं होती जब तक ये सारी चीज़ वो वाक्य उनके फैमिली के साथ ना हो. सो मुझे ये कहना है ना कि सच तो एक फोरम क्रिएट करना उसके लिए बहुत बड़ी पावर लगती है, बहुत बड़ा धाड़स लगता है कि है ना आप ये सारी चीज़ों पर बात खुल के करें. सेकेंडली आणि दूसरी गोष्ट अशी, सेकेंडली आई वुड लाइक टू से कि ये फोरम या कुठल्या गोष्टीचं स्थापना करायची गरज नाही लागत. जब जहाँ पे जिस वक्त ये गुनाह होता है उस वक्त देखने वाले लोग इसे देखने की भूमिका ना करें, आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते. ये कहाँ से कौन सी मर्दान की है जहाँ पे आप एक लड़की पे हाथ उठाते. घर जहाँ पे जो लोग देख रहे थे उनको वाकई उनका खून नहीं खोला, उनको तकलीफ नहीं हुई. एक जवान लड़की को इस तरह हाथ उठाना, हम लोग नज़र ऊपर करके देखते नहीं यार किसी के बच्चे को, आप हाथ उठा लेते हो. और वो भी रीज़न क्या है, एक गाड़ी 5 मिनट पार्क करना, कौन सी आपकी जगह उठा के लेके जाने वाले थे. ये कौन सी मर्दानगी है सर, प्लीज़ मत करो. देखिए सबको पता है प्रशासन अपना काम करता है, हम अपना काम करते हैं, और जो भी इंसिडेंट हुआ है वो डेफिनेटली अनफॉर्चुनेट है. मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हम सब जब तक हिम्मत नहीं करेंगे, हम सब जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे इकट्ठे होकर, तब तक इस तरह की हरकतें, मतलब मुझे ये हैरानी है कि आज की डेट में भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं. इट इज़ अस्टॉनिशिंग, तब अनबिलीवेबल. लेकिन जब जब कोई नाइंसाफ़ी होती है तब तब एक मसीहा भी वहीं खड़ा रहता है. तो हम यही कहेंगे कि हमारे साथ जो मसीहा हैं वो एक राह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. बहुत से लोग साथ जुड़े हुए हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस तरह की हरकतें बंद हो जाएं. वी आर लिविंग इन अ सिविलाइज्ड कंट्री, आई होप. और आई होप कि ऐसा दौर ना आए कि जहाँ पे औरतों के लिए, हमारी बच्चों के लिए, हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए, या हमारे यूथ के लिए, टीनेजर्स के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाए. हम ऐसे कलयुग में नहीं रह रहे हैं. सो ऐसे में अगर इस तरह का कुछ होता है तो बहुत अचरज की बात है और बहुत शर्मनाक बात है कि ऐसा हुआ. लेकिन अगर अथॉरिटीज़ इसके ऊपर ध्यान दें और हमारा साथ दें, अजय जी ने जो भी प्रोटेस्ट किए या जिस तरह का भी आवाज़ उठाई उसमें हमें काफ़ी सॉलिडारिटी, काफ़ी सपोर्ट मिली है फेलो सिटीजन से. लेकिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है एक और चीज़ कि ये डर किसी के मन में ना रह जाए, ये दहशत किसी के मन में ना रहे कि ओ माय गॉड हम क्या इस एरिया में रह रहे हैं, हम क्या ऐसी जगह में रह रहे हैं जहाँ पे इस तरह की हरकतें होती हैं. तो ये डर, ये दहशत ना हो, इसलिए इतना सपोर्टिव रहकर, इतना आगे बढ़कर इस चीज़ को अजय जी आगे लेके जा रहे हैं. हम सब इसमें जुड़े हुए हैं, हम सब चाहते हैं कि इस तरह की हरकतें ना हो और हमारी कहते हैं ना बहू बेटियां सेफ रहें. देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में आपको कहा कि इनिशियली इन बच्चों को तकलीफ़ थोड़ी हुई क्योंकि केस रजिस्टर नहीं हो पा रहा था, लेकिन जैसे कि वरिष्ठ अधिकारी हैं पुलिस डिपार्टमेंट के, डीसीपी, एडिशनल कमिश्नर, उन्होंने सचमुच बहुत सहायता की इस केस को रजिस्टर करवाने में, और उनका
काफ़ी योगदान रहा, उन्होंने फॉलोअप भी किया जब उनको ये बताया गया कि जो आदमी जो गुरु ठक्कर हैं उनके कौन से क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं और किस तरह से वो दहशत फैलाते हैं। तो उन्होंने सचमुच बहुत ही फास्ट एक्शन लिया और उसका रिजल्ट्स मिला भी, FIR भी लॉन्च हुआ। और ये संस्था बनाने का एक ही मकसद है, जैसे हम लोग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में बिलीव करते हैं, ऑफ़ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। अब लोगों की जो लड़ाई है या लोग जो इनजस्टिस सह रहे हैं या जो लोगों की तकलीफें हैं, उन्होंने मिलकर ही उसे सॉल्व करना पड़ेगा, एकजुट होकर ही सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए अभी इस सिचुएशन में जो कोविड पैंडेमिक का सिचुएशन है और जो जो गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग इसे ऑनलाइन शुरू रखेंगे और अलग अलग मीडियम्स के ज़रिए इसको हम लोग लोगों में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और मुझे यकीन है कि ये मूवमेंट का साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग देंगे, काफ़ी लोग इसमें एनरोल होंगे। देखिए सिटीजन्स फोरम बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर हक अगर पहली बार में मिल गया होता और एक आवाज़ सुनी जाती तो फिर इस सिटीज़न फोरम की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि हमेशा जब जैसा आयशा जी ने कहा कि जब हम मुट्ठी बनेंगे तो हम लोग एकजुट होकर काफ़ी चीज़ों का हल ढूंढ सकते हैं। तो इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ी कि सिटीजन्स फोरम बनाने की। और सिटीजन्स फोरम बनाने का मकसद कोई, इसका मकसद ये नहीं है कि कोई ये सोचे कि सिर्फ ये प्रोटेस्ट करने के लिए है या लड़ाई झगड़े करने के लिए ये कोई सिटीजन्स फोरम बनाए। सिटीजन्स फोरम के बहुत सारे कार्य होंगे, बहुत से लोग बहुत सारी तकलीफ़ों में होते हैं, जैसे उनको मेडिकल प्रॉब्लम्स होती है, अभी कोविड पैंडेमिक सिचुएशन में उनको हॉस्पिटल्स की ज़रूरत होती है, बेड्स की ज़रूरत होती है। तो अगर एक सिटीजन्स फोरम एक इलाके में मजबूत बनता है तो अलग अलग इलाके में अलग अलग कार्य कर सकते हैं। देखिए उसके लिए हम लोग एक मोडालिटीज़ वर्कआउट कर रहे हैं, आपके भी चैनल्स के ज़रिए हम लोग नंबर्स या ईमेल एड्रेसेस देंगे, किस तरह से लोग अपनी मेंबरशिप फॉर्म वहाँ पे गूगल के द्वारा वगैरह हमको फिल करके भेजें। हम लोग अलग अलग मीडियम्स में वर्कआउट कर रहे हैं। नहीं नहीं इनका तो इधर चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ प्लीज़ इनका नहीं नहीं यार सिटीज़न फोरम का मेन मकसद ये है कि ये कॉमन लोगों के लिए, एक आम आदमी के लिए, आम आदमियों की सुनवाई जल्दी होती नहीं है, आम आदमी के अभी तो किसी की भी सुनवाई नहीं होती, लेकिन ये फोरम का मेन मकसद, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप ये कहोगे कि अजय सर का मेन मकसद ये है कि हर एक कॉमन इंसान उसकी जो भी मुसीबत हो, एक्स वाई जेड जो भी मुसीबत, वो इसके थ्रू हल हो, और नेचुरली जब हल होगी तो सबको उससे फ़ायदा ही होने वाला है। सर ने बताया सिर्फ ये मोर्चा या आंदोलन के लिए नहीं है, हर किसी के लिए फॉरम है, चाहे वो मेडिकल हों दो, एजुकेशन हों दो या जो भी हो। मेन मकसद इन शॉर्ट अजय सर का ये, हर कॉमन इंसान, छोटा सा छोटा इंसान, बड़ा सा बड़ा इंसान, उसकी जो भी मुसीबत हो वो इसमें आके अपनी मुसीबत दूर कर सकता है, ज्वाइन। बात है कि आज 23 तारीख से आज इतने दिन हो गए अभी तक कि उनको ये नहीं मिला नहीं है, इसीलिए ये सिटीज़न का सर ने जो ये इनिशिएटिव लिया है एकता मंच के द्वारा और जो सब काफ़ी लोग हैं इसमें जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए ये सर ने किया हुआ है और इसमें हम लोग सभी लोग साथ में है क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉज है और सभी ने जुड़ना चाहिए। बिकॉज अब ये कोविड की वजह से आज
ज़्यादा लोगों को नहीं इनवाइट किया है, लेकिन अगर कोविड नहीं होता तो मेरे ख्याल से ये हॉल भी कम गिरता। आज इतने अच्छे कोर्स के लिए सब लोग जुड़ते। और मुझे तो यही बोलना है कि ये जो आज छोटी सी पार्किंग की वजह से ये जो हुआ, ये बहुत गलत हुआ। और ये महिला के आज लेडीज़ के साथ ऐसा हो रहा है, तो सच में आज 21वीं सदी में ये जो हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो रहा है आज के दिन में। सभी लोग आज स्लम में रहने वाले भी लोग अच्छे एजुकेटेड है, फिर भी आज ऐसा हो रहा है, तो बहुत दुख की बात है। और जो मैंने सर को मैंने देखा, वो जो बोल रहे थे, जो उनको कितना गुस्सा आ रहा था कि आज एक पार्किंग की वजह से लेडीज़ के साथ ऐसा हो रहा है, तो वैसे ही जो गुस्सा हर लोगों में दिखना चाहिए। आज हम लोग एक लेडीज़ के साथ ऐसा हो रहे, तो वहाँ तो काफ़ी लोग रहते होंगे, उन लोग ने क्यों नहीं रिप्लाई किया, उन लोग ने क्यों नहीं रोका। तो हमारा तो यही बोलना है कि ऐसी चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। आज ये एकता मंच के द्वारा ये जो हुआ है, तो सभी में मैसेज जाएगा, और आपके मीडिया के द्वारा हम लोग तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप सभी को बोलिए कि ये जो हो रहा है वो गलत चीज़ हो रहा है और आगे नहीं हो। और प्लीज़ हमारे साथ एकता मंच के द्वारा सब लोग जुड़े,